नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव चौधरी जो आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ में जो बेल आइकन बनता है उसे प्रेस ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन कर सकें। दोस्तों, आज लेके आया हूँ मैं राजस्थान पुलिस एग्ज़ाम 2020 के लिए टॉप 30 क्वेश्चन लेके आया हूँ जनरल साइंस के। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप पर शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आप हमारे इस वीडियो का बेनिफिट आप अपने दोस्तों को भी दे सकते हैं। दोस्तों, किसी भी प्रश्न में कोई त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, जिससे कि उस समस्या का समाधान किया जा सके। दोस्तों, आपके लिए मैं राजस्थान जीके और कंप्यूटर के क्वेश्चन भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाता रहता हूँ, तो आप उन वीडियो का भी बेनिफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है केल्विन मात्रक में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है या तापमान है, तो क्या होता है इसका? तो इसका आंसर होगा हीलियम के एक परमाणु के बराबर होता है, हीलियम के एक परमाणु के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन निम्न तापमापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है, तो किसका अनुप्रयोग होता है, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा रॉकेट प्रौद्योगिकी में। तो इंजनों का यानी कि रॉकेट प्रौद्योगिकी में इंजनों का अनुप्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, तो कितनी चाल होती है निर्वात में प्रकाश की? तो इसका आंसर होगा 3 × 10^8 मीटर प्रति सेकेंड। तो दोस्तों, ये 8 है, ये घात में है इसके, तो 3 × 10^8 मीटर प्रति सेकेंड निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक सदिश राशि कौन सी है? तो दोस्तों, मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया था सदिश और अदिश राशि। सदिश में तो क्या होता है, दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, और अदिश राशि में केवल क्या होता है उसमें परिणाम होता है, यानी कि उसमें दिशा नहीं होती है। तो इसमें सदिश राशि कौन सी होगी? इसका आंसर होगा वेग। वेग क्या है? एक सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिशुद्ध घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है, तो घंटे की सुई के 135 डिग्री घूमने के बाद क्या समय होगा? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका आंसर होगा 7 बजकर 30 मिनट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खगोलीय मात्रक की औसत दूरी है, कितनी होती है औसत दूरी उसकी खगोलीय मात्रक की? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। एक खगोलीय दूरी होती है वह पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है, तो किसने बताया था ये न्यूटन से पहले? तो इसका आंसर होगा क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट ने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित या आकर्षित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा रेखीय संवेग संरक्षण। तो जो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं जेट इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल लगाना पड़ता है, क्यों लगाना पड़ता है? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था दोस्तों? दोस्तों, ये बीच में प्रश्न आ गए, ये प्रश्न गलत आ गया बीच में, ये प्रश्न था इतना ही, साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल लगाना पड़ता है क्योंकि? तो इसका आंसर होगा चालक जड़त्व पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाता है, इसीलिए साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल लगाना पड़ता है जिससे कि वह जड़त्व पर विजय पा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जीव विज्ञान शब्द का सप्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जो जीव विज्ञान शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा लेमार्क और टिबेरेंस ने। तो जो लेमार्क एम टिबेरेंस है उसने ही सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो कौन है इसके जनक? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्रेस्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है चिकित्सा शास्त्र का जनक? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हिप्पोक्रेटस को। जो हिप्पोक्रेटस है उसे चिकित्सा शास्त्र का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जो पुष्पों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में किया जाता है पुष्पों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जो वन अनुसंधान संस्थान है वह कहाँ पर स्थित है? तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर होगा देहरादून। कहाँ पर है? देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है इसका मुख्यालय? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा कोलकाता में। और कोलकाता कौन सी नदी किनारे स्थित है? कौन सी नदी किनारे स्थित है? हुगली नदी किनारे स्थित है। और कोलकाता पश्चिम बंगाल की क्या है? कैपिटल है। तो भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय है कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे वर्गीकी का पिता कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है इसका पिता? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर होगा कार्ल वॉन लीनियस को। यानी कि लीनियस को वर्गीकी का पितामह है कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? तो क्या है इसकी आधारीय इकाई? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा स्पेसीज। क्या है? स्पेसीज। तो स्पेसीज है वर्गीकरण की आधारीय इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा लुवेन होक ने। जो लुवेन होक वैज्ञानिक थे उन्होंने जीवाणु की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? जो वास्तविक केंद्र है वह किसमें अनुपस्थित होता है दोस्तों? तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर होगा जीवाणुओं में। जो वास्तविक केंद्र है वह जीवाणुओं में अनुपस्थित रहता है। और जीवाणु की खोज किसने की थी? लुवेन होक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है तो कहाँ उत्पन्न होती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम द्वारा। जो क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम द्वारा भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन की स्थिरीकरण में निम्न में से कौन सी फसल सहायक है? तो कौन सी फसल सहायक है दोस्तों? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा फली या बीन्स। जो फली युक्त या बीन्स युक्त होती है वह फसल सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु के द्वारा उत्पन्न होती है? तो कौन सी बीमारी जीवाणु के द्वारा उत्पन्न होती है? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर होगा कुष्ठ रोग। जो कुष्ठ रोग है वह
बीमारी जीवाणु के द्वारा ही उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवाणुओं युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है, तो क्या कार्य है जिसका? तो इसका राइट आंसर होगा जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है जीवाणु को निष्क्रिय करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है, तो क्या कारण है इसका? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस जीवाणु। जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है वह दूध को दही के रूप में जमने के कारण वह क्या होता है? उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवकों को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा कार्टिकोलस। जो वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवकों को क्या कहते हैं? कार्टिकोलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खुजली के रोग इसके बीज का कारण है? तो इसके बीज का कारण क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कवक। कवक के कारण ही होती है क्या? इसके बीज खुजली के रोग उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन किन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बने होते हैं? तो किससे मिलकर बने होते हैं? तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर हो जाएगा कवक और शैवाल। तो लवक लाइकेन है वह कवक और शैवाल दो वर्ग के पौधों से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन किसके सूचक होते हैं? जो लाइकेन है वह किसका सूचक होता है? तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर होगा वायु प्रदूषण की। लाइकेन वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ के स्थान पर मूलाभास किसमें पाया जाता है? तो किसमें पाया जाता है मूलाभास? तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर होगा ब्रायोफाइटस में। जो ब्रायोफाइटस होता है उसमें जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक क्रोमोसोम्स किसमें पाए जाते हैं? तो किसमें पाए जाते हैं सबसे अधिक गुणसूत्र? तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर होगा टेरिडोफाइटस। जो टेरिडोफाइटस है उसमें सबसे अधिक क्या पाए जाते हैं? क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट जनरल साइंस के टॉप 30 क्वेश्चन, जो आपकी राजस्थान पुलिस है और पटवार की एग्जाम है उसमें जनरल साइंस से रिलेटेड इन्हीं वीडियो में से आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नहीं हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में जो बेल आइकन बनता है उसे प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन कर सकें। दोस्तों किसी भी पर्सन में कोई त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, जिससे कि उस समस्या का समाधान किया जा सके। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप पर शेयर ज़रूर कीजिएगा, जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप है, ट्विटर ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, इंस्टाग्राम है, जिससे कि हमारे इस वीडियो का बेनिफिट आप अपने दोस्तों को भी दे सकते हैं। दोस्तों आपके लिए मैं राजस्थान जी के और कंप्यूटर के क्वेश्चन भी मैं वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाता रहता हूँ, तो आप उन वीडियो का भी बेनिफिट ले सकते हैं। दोस्तों राजस्थान पुलिस में एक नया टॉपिक अब की बार जोड़ दिया है महिला एवं बाल विकास से रिलेटेड, तो उसके पर्सन में मैं वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाता रहता हूँ, तो दोस्तों आप उन वीडियो का भी बेनिफिट ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।